नमस्कार गोल लगा स्वागत बार वालों के न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव में। अब सरकार बनावे के कवायद शुरू हुई। राष्ट्रपति महोदय के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाके इस्तीफा दे दिले और इस्तीफा देला के बाद जब तक नया सरकार के गठन निखे होत तब तक प्रधानमंत्री के यथास्थिति कार्य करे खातिर राष्ट्रपति महोदय से स्वीकृति मिलल। मंत्रिमंडल समाप्त हो गई बा और जल्दी ही 30 तारीख के संभावना बा कि मंत्रिमंडल के गठन और शपथ ग्रहण के कार्यक्रम होई। ए बीच में जहां एक तरफ अब सरकार बनावे के कवायद शुरू हो गई बा, मंत्रिमंडल के गठन के बात शुरू हो गई बा, डिनर डिप्लोमेसी भी शुरू हो गई बा, इस सब के बीच कहीं ना कहीं एक बार फिर से थोड़ा सा सिकन प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी के, चूंकि आज औपचारिक रूप से संसदीय दल बैठी जो नया चुनल एमपी लोग बा वो लोग मिल करके प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के चयन कर ली लोग। सिर्फ औपचारिकता बढ़ुए ऐसे तो पूरा देश जानते हुए और रुआ लोग भी जानते नहीं कि प्रधानमंत्री के पद खाती ही अब की हाली के चुनाव में वोट मांगल गई बा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के अलग अलग हिस्सा में रुआ बिहार में भी हर मंच से एक बात कहले हैं कि कहीं ना कहीं जौन भी वोट जनता दी हैं वो वोट सीधे सीधे ट्रांसफर होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाई और फिर से मोदी सरकार यह नारा भी रहला। वोट जौन भइल हा के हाली वो यह बात के तरफ इशारा करता कि व्यक्ति विशेष वोट भइल हा, यानी कि नरेंद्र मोदी के नाम पर इतना बम्पर वोटिंग भइल बुड़ुए, बम्पर जीत बुड़ुए। बिहार में तो हुआ नजर आ रहा बा कि 2 लाख से ज़्यादा कई गो एमपी जीत हार का अंतर पैदा किए बढ़े, 3 लाख कई और 1 लाख भी बहुत ज़्यादा किए बढ़े। एकरा में सबसे ज़्यादा संख्या जौन बा 2 लाख वाला के बा, 4 लाख भी बा, 4 लाख के अंतर से भी 3 गो एमपी जीतल बाड़े। अब स्थिति पूरा पूरा ये बा कि मंत्रिमंडल के गठन की हम बात करते नहीं हैं। मंत्रिमंडल के गठन में जहां एक तरफ बिहार के 17 गो सीट में से 16 सीट जीते वाली जदयू के दावा बड़ा हुई, क्योंकि पिछला 1.5 साल से लगभग एनडीए में शामिल भइला के बाद भी, मंत्रिमंडल के गठन भइला के बाद भी जदयू के मंत्रिमंडल में जगह ना मिल रहा नरेंद्र मोदी के, लेकिन अब की आली जौन कमी बेसी बा उस सब पूरा करे के फिराक में जदयू बढ़ुए। जदयू संभावना ज़्यादा बढ़ुए कि 3 से 4 मंत्रिमंडल के डिमांड कर सकेला। एकरा साथ साथ एक और बात बताओ तनी कि शिवसेना जौन की पिछला मंत्रिमंडल में 2014 में भी साथे लड़ रहे, एकरा बाद भी शिवसेना जौन बा वो बीच में ही कोनो ना कोनो कारण से लेकर के और विरोध कर ले रहे और विरोध से वो अपना के अलग कर ले रहे। हालांकि एक असर बहुत ज्यादा होके वाला ना रहे, ना पहले भई रहे ना अब हुई, ये पूरा विवेक पर और सिंपैथी मान के चली, सिंपैथी पर निर्भर करता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के कि वो अपना मंत्रिमंडल में केकरा के कितना सीट दी हैं। एक साथ साथ रुआ के बता दी कि शिवसेना के भी अधिक से अधिक सीट के डिमांड हुई, बीजेडी भी समर्थन कर दे बा, संभावना बा कि ओकरा भी सीट कुछ चाहबे करी। एक साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात जौन बा वो ये बा कि अब के आली बहुत बेहतरीन प्रदर्शन जौन पश्चिम बंगाल में भइल बा वो पश्चिम बंगाल से भी प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में ज़्यादा होके के चाहिए। एक साथ साथ एक और भी बात बोलो कि मंत्रिमंडल में कई गो पुरान जौन पहले से मंत्री रहे हैं स्वास्थ्य कारण से उन लोग के छुट्टी भी दिया जा सकेला। तो सबसे बड़ बात ये बा कि नीतीश कुमार 3 से 4 मंत्रालय और ओकरा में फिर वो बताते हैं कि रेल मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, ओकरा बाद आईटी सेक्टर, प्राकृतिक गैस, ये सब जो बड़ा बड़ा मंत्रालय बा वो मंत्रालय पर नीतीश कुमार के नज़र बा, चूँकि नीतीश कुमार खुद रेल मंत्री रह चुकल बाड़े, कृषि मंत्री रह चुकल बाड़े, ऐसे ये बहुत ज़्यादा संभावना ये बा कि मंत्रणा में चर्चा में नीतीश कुमार जी ये मंत्रालय अपना भीरी रखल चाहिए।
एकरा साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट बात बा कि दू आदमी के तो बुझाता कि एकदम पक्का बोलू है। जो सूत्र हमी के बता रहे बड़े कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में ललन सिंह और आर सी पी सिंह ये दू आदमी के कन्फर्म बा कि मंत्रालय में जगह मिली। देखे वाला बात हुई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार जी के कितना बात मानता नहीं, चूंकि अभी अगला लड़ाई 2020 में फिर से लड़े के बाद। जुड़ा रहे सभी न्यूज़ बिहार और भारत लाइव के साथ। अगर वो अब तक सब्सक्राइब नहीं कैले और हित नाता गोतिया पटदार केहू सब्सक्राइब नहीं कैले तो करवा ली सब है, चूंकि अब एकरा बाद जौन 2020 के लड़ाई बुड़ू है सरकार के गठन बा और सरकार के काम काज पर जो प्रतिक्रिया देवे के बा उरुए लोग के देवे के बुड़ू है। हमनी के हर बात के प्लेटफॉर्म पर रखब जा, ओकरा खातिर हमनी के पूरा तैयार बनी जा, पहले भी रखले बन जा आगे भी रखब जा। फिर मिले के वादा के साथ गोर लगा तनी। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।